नमस्कार, यूनिक आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इतिहास की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी गलती भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत के लिए जवाहरलाल नेहरू ने की थी, क्योंकि वह गलती बहुत बड़ी गलती थी। अमेरिका सुरक्षा परिषद में ताइवान वाली सीट भारत को दिलवाना चाहता था, लेकिन तब जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया। वह चीन को एक महान देश मानते रहे, जबकि बीजिंग अपनी सीमाओं के विस्तार की तैयारी में लगा था। भारत इस साल 1 जनवरी से 2 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। यह भारत के लिए इस तरह का 8वां मौका है। जहां तक अस्थायी सदस्यता की बात है, तो अमेरिका और सोवियत संघ 1950 के दशक में ही भारत को अस्थायी सदस्यता दिलवाना चाहते थे। तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि पहले चीन को दी जाए अस्थायी सदस्यता। संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है भारत। 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की घोषणा पर दस्तखत करने वाले 26 देशों में भारत भी था। बाद में 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र स्थापना सम्मेलन हुआ। 50 देशों ने उसमें भाग लिया। 26 जून तक चले सम्मेलन में सर अर्कोट रामास्वामी मुदालियार के नेतृत्व में भारत का भी एक प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ। मुदालियार ने ही भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। 30 अक्टूबर 1945 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने इस सम्मेलन में पारित अंतिम घोषणा पत्र की औपचारिक पुष्टि की। इस प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्रता के बाद भारत को भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता देने की चर्चा हुई। हवा का रुख भारत के अनुकूल था। उस समय चियांग काईशेक की कुओमिंतांग पार्टी और माओ त्से की तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच चल रहे गृह युद्ध से लहूलुहान था चीन। कम्युनिस्टों से नफरत करने वाले अमेरिका के साथ उसके सहयोगी ब्रिटेन और फ्रांस भी साम्यवादी चीन को सुरक्षा परिषद में नहीं देखना चाहते थे। चीन के नाम की सीट 1945 में चियांग काईशेक की राष्ट्रवादी चीन सरकार को दी गई, लेकिन गृह युद्ध में जीत मिली चीनी कम्युनिस्टों को। 1 अक्टूबर 1949 को चीन की मुख्य भूमि पर उनकी सरकार बनी। चियांग काईशेक को अपने समर्थकों के साथ भागकर ताइवान द्वीप पर शरण लेनी पड़ी। वहां उन्होंने अपनी एक अलग सरकार बनाई। इन्हीं हालात में 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तब प्रधानमंत्री नेहरू की अंतरिम सरकार को भी सबसे पहले देश के बंटवारे वाली उथल पुथल से निपटना पड़ा। नेहरू ही भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे। समाजवाद की रूसी और चीनी सोच से वह काफ़ी प्रभावित थे। यही कारण था कि चीन में माओ त्से तुंग की कम्युनिस्ट सरकार बनते ही उसे राजनयिक मान्यता देने वाले देशों की पहली कतार में भारत था।